ये देखिए मैंने घर से लेके अंदर तक का साफ़ कर लिया है। मेरे घर तैयार हो चुकी है, साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो ये यहाँ देखिए मेरे बाबू सोई है और जो कपड़ा धोया था सूख गया तो यहाँ पर रखे हैं फोल्ड करने के लिए। कपड़े वगैरह भी सूख चुका है, एक यहाँ सो रही है, दो ऊपर में सो रहा है। सब गुड मॉर्निंग, और आप सब कैसे हैं? तो आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर रानी रियल ब्लॉग। तो ये अभी मैं चाय पी रही हूँ, सारा काम करने के बाद मैं चाय पी ले रही हूँ। और जैसे कि मैं आपको, आप लोग बोल रहे होंगे कि वो आर बाद बाकी अपने बहन और अपने बच्चे का क्यों नहीं दिखाई, तो आई एम सॉरी, आप लोग से बहुत बड़ा मतलब हाथ जोड़ करके सॉरी है। और देखिए किसी का चीज़ पर कोई जोर नहीं आ रहा है कि ऐसे। मेरे बहन वो वाली बहुत अच्छी, जिसको बीबी हुआ है उसका मन में कोई छल कपट नहीं रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छी, ऊपर वाले से यही दुआ है कि अल्लाह का करम से वो सही रहे और अच्छा रहे, खुश रहे। जाना आना है बस उसका, कुछ घर में फैमिली को इशू आया है कि मैं उसका वीडियो वगैरह ना करूं। तो खैर भाई, फैमिली को ही देखना है, तो मुझे तो मैं जितना भी हूं तो दूर से ही करती हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैंने अब उसका करना मतलब वीडियो वगैरह मैं आप सबसे शेयर नहीं करूँगी, और ऐसे अपना जितना भी रियल लाइफ में होता है सुख दुख मैं आप सबको शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब मेरे अच्छे फ्रेंड हैं और रहेंगे, इसलिए मैं उन लोगों का नहीं कुछ करूँगी। ऐसे जाना तो है ही, अभी भी जाना है, बाबू भी घर आ गया है और मम्मी भी उसकी घर आ चुकी है। तो खैर खूबी से, ऊपर वाले के करम से बस बाकी का ज़िंदगी अच्छा से कटे, यही बहुत बड़ा बात है। और जैसे कि मेरे बहन के बारे में बताया गया था, तो जिससे मेरे बहन, एक बहन से तो मेरा नहीं पटता, कोई बात नहीं है, पर वो दूर है, हम भी दूर हैं, कोई बात नहीं है। और बाद बाकी जो बहन है उनसे भी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। हाँ, झगड़ा लड़ाई तो हर घर में, आज झगड़ा है तो कल दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जैसी लड़की हूँ तो ज़्यादा दिन किसी से झगड़ा नहीं रह सकता है। और बस यही है कि वो जो बहन मतलब मेरे बहन है, झगड़ा होता लड़ाई होता ठीक है, पर जब मदद के टाइम में आता है तो मदद भी करती है, और मेरा भी होता तो मैं भी मदद करती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी बताया कि अभी मेरा दौर, अभी दौरान मेरा थोड़ा सा परेशानी भरा है, कुछ परेशानी मैं अभी झेली हूँ, अभी तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अल्लाह का करम से हम सुधर रहे हैं। बस थोड़ा सा बेटी को लेके परेशानी है, वो भी अल्लाह का करम से कम हो जाएगा। जैसे कि अभी बहन का दौड़ भाग करके फुर्सत मिला तो अब लड़की को लेके थोड़ा दौड़ भाग रहे हैं। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट और वीडियो बनाती रहूँगी, देती रहूँगी। और मेरे सब बहन सही है, और जैसे कि बताया गया कि सब कुछ शेयर करो, तो मैं ये भी शेयर कर रही हूँ कि बीच में मेरा ऐसा था कि ये घर लेने के लिए भी डिपॉज़िट नहीं था, तो मेरे बहन मुझे मदद की थी, डिपॉज़िट में कुछ कमी था तो डिपॉज़िट वो दी थी। और ऐसा नहीं है कि वो दी तो हम ले लिए हैं, हमें वापस करना है, तो लिए तो भी मैं बता रही हूँ, और जब मैं दूंगी तब भी आपको शेयर कर दूंगी कि मैं उसका डिपॉज़िट दे चुकी हूँ। क्योंकि भाई बहन है, अब हर किसी का पैसा लेना ये नहीं है। अरे जब हमारा भी होता है तो मैं भी देती हूँ, मैं भी ऐसा नहीं है कि वो लोग भी नहीं बोल सकती कि मेरी बहन मेरे लिए नहीं करती है, मैं भी करती हूँ, और मुझसे भी जितना बन पड़ता है मैं भी करती हूँ। मेरा तो इतना था कि अल्लाह करम से सही मानों में इतना था कि मैं आया दिन सबका हेल्प करती थी, शादी वगैरह भी मैंने कराया है। तो अभी जब जैसा तब से बार बार मैं बोलती हूँ, तो अल्लाह से तौबा है, ताना नहीं दूंगी, पर अगला मेरा घर के लिए, ये वाला घर के लिए डिपॉज़िट दी थी मेरी बहन, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। और आज का ब्लॉग है कि मैं बच्चे को लेके थोड़ा सा मार्केट गई हूँ, और आगे का ब्लॉग वहाँ आगे देख सकते हैं। तो ये देखिए हम आए हैं यहाँ पर, सालकिया का हावड़ा मतलब स्कूल है बच्चों का, तो यहाँ पर कुछ काम हो रहा था कागज़ से रिलेटिव, तो हम बच्चों को लेकर के आए थे सबको, क्योंकि 8:30 बज रहा था, 8:30 का समय था सुबह। तो अब मैं इन लोग को भी उठा लिया, बोले चलो यही बहाना, तुम लोग उठते नहीं हो, तुम लोग का घुलना हो जाएगा। और जैसे कि ये लोग का स्कूल जब से बंद है तब से ये लोग का नींद थोड़ा ख़राब हो गया है, 11-12 के नीचे उठता नहीं है। और इसी सब के दौरान तो मैं आ गई ले करके, और छठ पूजा का जैसे तैयारी चल रहा था तो घाट पर जो है सब अपना अलग अलग से नाम लिखा होता, तो मैं पहली बार देखी, तो मैं पूछी कि क्या है ये, तो सब वहाँ का मतलब जो पूजा करती है वो लोग बताया गया कि ये अपना अपना जगह लेना है, कि पूजा करने के लिए एक वो स्थान होना चाहिए, तो वही तो मैंने देखा, अच्छा लगा। और ये पूरा घाट में जो बांस लगाया गया है पूरा तैयारी हो चुका है,
और कंटेंट में अगर मैं ढूंढूं तो बहुत मिल सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इतना झूम में पुलिस आया था, जैसे कि लाल बाजार गोलाबाड़ी का, पर अच्छा लग रहा था एकदम, सब पुलिस वगैरह यहाँ पर छानबीन करके गया कि कुछ ऐसा इशू तो नहीं है ना, पर अब आराम से कर सकता है आदमी, तो बढ़िया लगा। और हम आप सबको यही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बीच में सूप में पैसा डाला और अगला को बोला कि मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा लड़की का, मेरी लड़की सही सलामत से पहले जैसी हो जाए, तो वो देखिए वहाँ बैठी हुई है, क्योंकि उसे दौड़ भाग उतना मना हो गया है, फिर भी बच्चा है भाई, सुनेगी नहीं। खैर कोई नहीं, आप सबका दुआ से मेरी बाबू भी ठीक ही हो जाएगी, जैसे कि मैं अभी लाइफ में सुधर रही हूँ, उसी तरह अल्लाह करम से मेरी बाबू भी ठीक हो जाएगी। तो ये यहाँ ये लोग को बोले चलो अब घर चलो, तो ये लोग बोला मैं घर नहीं, सीधा मैं वहाँ जाऊँगा पैंट वगैरह लेने। हम बोला चलो तब कुछ दिला देते हैं, बच्चे हैं तो निकले तो थोड़ा घूर के ही जाऊंगी। यहाँ से तो काम होते होते करीबन 11-12 बज चुका था, तो मैं निकल गई। और छठ पूजा का जैसे सीजन चल रहा है, तो ये मंदिर वगैरह का है, मतलब पंडित वगैरह रहते हैं, तो मैं यही कहूँगी जो भी मेरे वीडियो देख रहे प्लीज़ मेरी लड़की के लिए छठ पूजा में दुआ कर दीजिएगा, अगर आप सब मेरे फ्रेंड हैं तो ये यहाँ मार्केट में आ चुकी हूँ। तो मार्केट आए तो हैं बाबू का कपड़ा लेने, तो ये लोग का ठंड का जैसे कि एक आध गंजी ले लिए, पैंट वगैरह ले लिए, तो अब ये लोग को चाहिए तो अभी लोग को आइसक्रीम वगैरह दिलाओ। और मेरे बाबू का जो है तो निशा को तो मैं दे नहीं सकती हूँ ठंडा चीज़, तो ये लोग को दिलाएं। और बाबू को निशा को मेरे साथ ही मैंने बोला पूछ का, तो ये देखिए मार्केट जो है, मार्केट आओ तो अच्छा ही लगता है भाई, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, और लेना पड़ता है बच्चों लोग के लिए। तो ये यहाँ वो लोग आइसक्रीम और ठंडा ले लिया है, और यहाँ पानी फल का जीत किया तो पानी फल भी ले ली, पर शाम हो रहा है तो खिलाऊंगी नहीं अभी। और ये यहाँ हम फुचका खा रहे हैं, और इसे सिर्फ आलू और फुचका दिया गया है, क्योंकि ये तो ठंडा वगैरह खाएगी नहीं, तो इसी के लिए इसे सूखा फुचका दिया गया है। और फिर उसके बाद से मैं वहीं पर कुछ दूर में ही, जहाँ मैं बराबर कराती हूँ, तो वहीं पर मैं एब्रो भी करा ली, और ATM था तो कुछ पैसा भी निकाल ली। और ये यहाँ जो है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था, जहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू सब दिख रहा था, और कुछ गायकार लोग भी आया हुआ था भजन वगैरह करने के लिए, और स्टॉल लगा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप कि आज का वीडियो मेरा आप सबको पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज भर के लिए चलिए, अगर मुझे होप कि इस वीडियो में कुछ इशू ना निकले, तो चलिए आज भर के लिए अल्लाह हाफिज़।